वेलकम बैक टू वाइस एकेडमी दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और ये वीडियो SOL के उन स्टूडेंट के लिए है जो जॉब करना चाहते हैं, इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से उनको जॉब मिल जाए और वो काम कर सकें, कुछ पैसे अर्न कर सकें। तो इस वीडियो में SOL के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जॉब कर सकते हैं, वो भी SOL के अंदर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर आपको जॉब्स मिलेंगी, जहाँ पर आप कम से कम, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप 14-15 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये SOL की तरफ से ही आया है कि जो भी स्टूडेंट SOL के हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप SOL के स्टूडेंट हैं तो भाई आप लोग जॉब कर सकते हैं। जॉब क्या है? डाटा एंट्री की जॉब है, बहुत आसान जॉब है और आराम से कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जॉब के लिए परेशान हैं तो भाई आपकी परेशानी आई थिंक ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए करना क्या है, मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, किस किस तरीके की जॉब है, कितना पैसा, कैसे, टाइमिंग क्या है, कब कब आपको जाना है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे आप SOL सर्च करेंगे और ये जो पहला वाला लिंक है आपको इस पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू टू वेबसाइट। और फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है ना अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, आपको इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बाद की बात है, पहले यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे, जो नोटिफिकेशन आया है पहले उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा रखा है कि एडवर्टीजमेंट रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइपेंड देने की भी बात की गई है, यानी कि आपकी जो इंटर्नशिप चलेगी उसके अंदर आपको पैसा भी मिलेगा और इंटर्नशिप, दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। एलिजिबिलिटी क्या है, देख सकते हैं कि स्टूडेंट मस्ट बी करंटली एनरोल्ड रेगुलर स्टूडेंट परसुइंग एनी ऑफ द UG एंड PG प्रोग्राम, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में है, SOL का स्टूडेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है। याद रखें, लिखा हुआ है ना कि ये एनरोल्ड रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर का मतलब रेगुलर नहीं है, रेगुलर का मतलब ये है कि जो SOL के स्टूडेंट हैं और वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक इंग्लिश टाइपिंग स्किल आनी चाहिए, सबको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, सबको पता है थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है। फिर आता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटाबेस नॉलेज ऑफ MS वर्ड और MS Excel, आपको MS वर्ड और MS Excel की दोनों की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डाटा को इंटर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको Excel पे ही काम करना होगा या MS वर्ड पे काम करना होगा, और ये बहुत आसान होता है। अगर आपने इससे पहले कभी ये वर्ड नहीं सुने हैं कि MS वर्ड, MS Excel क्या होता है, तो आप YouTube पे डालिए कि हाउ टू फिल द डाटा ऑन द MS वर्ड एंड MS Excel, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत आसान होता है। जैसे आप टाइपिंग करते हैं ना मोबाइल में, सेम वैसे ही कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि इंटर्नशिप जॉब डिस्क्रिप्शन में टू डू लिस्ट पार्ट ए, तो यहाँ पे एंटरिंग द लाइब्रेरी बुक्स डाटा ऑन द एक्सेल शीट, वही बात आ रही है कि आपको एक्सेल शीट पे लाइब्रेरी का डाटा फिल करना है, रिकॉर्ड करना है कि भाई कितनी बुक्स हैं, क्या है ना, वेरिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन नंबर करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको उसमें लेबलिंग करनी है, टैगिंग करनी है, फ्लैगिंग करनी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर जो आपका काम होगा वो डाटा एंट्री का काम है, ठीक है, डाटाबेस का काम है, MS वर्ड और MS Excel पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपकी जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो आपको कुछ और भी काम असाइन कर सकते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा, बट बेसिकली मेन आपका काम क्या है वो है डाटा की एंट्री करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो आपको पैसे देने की बात की जा रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्टाइपेंड लिखा हुआ है ना, स्टाइपेंड का मतलब ये है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का मतलब ये कि आप सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि टू बी पेड लिंक्ड टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेट इन MS Excel, तो कहने का मतलब जो भी आप MS Excel पर रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आप एंट्री करेंगे, तो पर रिकॉर्ड आपको 1.70 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने एक एंट्री की तो एक एंट्री के आपको 1.70 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरीके से ना ये माना जाता है या ये एक्सपेक्टेड है कि एक स्टूडेंट दिन में कम से कम 200 एंट्री तो कर ही सकता है और मैक्सिमम 300, और अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो आप 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए कि आपने एक दिन में 300 रिकॉर्ड या 300 एंट्री कर दी, और जो कि हो जाती है, तो इसका मतलब आप महीने का करीब करीब 15 हज़ार रुपये कमा लेंगे।
इसी तरीके से टू डू लिस्ट पार्ट भी यहाँ पे कुछ और अलग तरीके का वर्क दिया गया है कि असिस्ट इन फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस का काम भी आपको मिल सकता है। वही फ्लैगिंग की बात आ रही है नीचे, ठीक है। एंट्रिंग द डाटा ऑफ द एसेशन, अब वही यहाँ पे रजिस्टर करना है आपको एक्सेल के अंदर जो भी डाटा होता है उसकी बात आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और यहाँ पे जो स्टाइपेंड है थोड़ा इसमें नीचे कम बताया गया, बट अदरवाइज़ जो ऊपर वाला स्टाइपेंड है ना वो ठीक ठाक है, ठीक है। कि इसमें आपको करीब करीब 15,000 रुपये, यानी कि अगर आप दिन के 300 एंट्री कर देते हो तो डेली का आपने करीब करीब 450 से 500 रुपये कमा लिया, 250-300 अगर रिकॉर्ड करते हो तो महीने का वही 14-15 हज़ार रुपये आपका बन जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप खाली बैठे हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आता है कि इंटर्नशिप की, जो देखो यहाँ पे लिखा है ना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 30 दिन की ड्यूरेशन है इसकी। 30 दिन की ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं है कि 30 दिन बाद आपको भगा देंगे या काम ख़त्म। 30 दिन का मतलब ये है कि आपकी इंटर्नशिप 30 दिन की है। 30 दिन तक आपको ये लोग काम सिखाएंगे और प्लस पैसे भी देंगे, और उसके बाद जब 30 दिन बाद आप काम सीख जाएंगे तो फिर आप नॉर्मली काम करते रहेंगे। इवन आई थिंक आपकी सैलरी भी फिर बढ़ जाएगी। वर्क डे क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिला करेगी, सैटरडे संडे, और आपको मंडे टू फ्राइडे ही काम करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, कर सकते हो आप लोग। 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको SOL का रोल नंबर डालना है। SOL का रोल नंबर आपको पता है आपके ID कार्ड पर होता है। आप अपना नेम डालेंगे, ठीक है, जो भी आपका नेम है तो आप नेम डालेंगे। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स, आपका BA प्रोग्राम है, हिस्ट्री है, BA ऑनर्स है, ठीक है, अपना कोर्स। उसके बाद अपना जेंडर, फीमेल या मेल जो भी है आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर ध्यान से डालना है क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ईमेल ID को ध्यान से डालना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वो एड्रेस ठीक से डालेंगे आप, और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि डू यू नो MS Excel, क्या आपको MS Excel आता है। तो आपको अगर नहीं भी आता है ना तो आप नो पर क्लिक मत करना, आप यस पर ही क्लिक करना, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप एक YouTube पे इस वीडियो के बाद YouTube पे एक वीडियो सर्च कीजिए कि MS Excel को कैसे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। वीडियो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि MS Excel पे कैसे काम होता है। तो आप इसको यस करें, नो मत करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव एनी ऑफ दीज गैजेट, आपके पास लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन, इनमें से क्या है। तो बेसिकली हर एक स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन तो होता ही है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज़ आप लैपटॉप पर भी क्लिक करके बताएं। तीनों है तो तीनों पर क्लिक करके बता सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गैजेट यहाँ पे शो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आपको चूज़ करने की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आई थिंक अगर आपके पास लैपटॉप है तो शायद वो आपका लैपटॉप मंगाए काम करने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन तो हो गई, तो स्मार्टफोन पे क्लिक कर सकते हैं। और देन फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखा हुआ आ जाएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद SOL आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपके मोबाइल नंबर पर ये मैसेज भेजेगा या फिर आपको मेल भेजेगा कि कब आपका इंटरव्यू होना है, कब आपको वहाँ पर बुलाया जाना है, ठीक है, वो है बाद की कहानी। तो जैसे ही उसके लिए कुछ भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देर मत करो, ठीक है, 17 तारीख से पहले पहले इसको फिल कर दो, अपलोड कर दो, ताकि आप लोगों को जो इंटरव्यू का कॉल आएगा किसी भी तरीके से आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो आपने दी है उसी पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा अगर कुछ भी आप लोगों के लिए आएगा तो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट।